खबर आ रही है कि पूरा हरियाणा जाम में है। अंबाला में चौधरी निर्मल सिंह ने हजारों की संख्या में किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ चारों तरफ के रोड जाम कर दिए हैं। पिपली करनाल कैथल में किसान यूनियन सड़क पर आ गई है। वही भिवानी जिंद रोहतक झज्जर में किसानों ने ट्रैक्टर से सारे रोड भी जाम कर दिए हैं। इस बीच हरियाणा सरकार में शामिल जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने हिसार में किसानों के बीच रोड पर जाकर किसान विरोधी बिलों का खुलकर विरोध किया और किसानों को खुलकर समर्थन दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा भी देने की बात कही है। व्यापारियों को बिचौलिया कहना ये उचित नहीं है। व्यापारी जो है बिचौलिया नहीं है। व्यापारी वी भाई तो जाएगा, हम मनाज ले जाते हैं, वो जाके खरीदते हैं। रही बात बिचौलिया शब्द जो यूज हो रहा है आज के दिन, आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ, यदि अगर ये अध्यादेश लागू हो गई और बड़े बड़े पूंजीपति इस मैदान में उतरेंगे, वो बिचौलिए छोड़ेंगे। वो है बिचौलिए, वो खुद कभी नहीं खरीदेंगे। बड़ी कंपनी आपने कभी सुना है ये मोबाइल बनाता कौन है? कोई नहीं, कोई एजेंट है इनका, वो है बिचौलिए। आपके पीछे बिचौलिए आ जाएंगे यदि अगर ये अध्यादेश। मैं इतना स्पष्ट इन अध्यादेशों के खिलाफ हूँ, शायद आप मतलब जो है भी नहीं हो। इसलिए यदि अगर इस्तीफे की जरूरत पड़ी, आंदोलन की जरूरत पड़ी, आप लोग कहेंगे, आंदोलन की अगुवाई करेंगे, इस्तीफा देने की बात होगी, सबसे पहला व्यक्ति होगा ये उसकी जरूरत पड़ी तो रिजाइन देने वाला, चाहे और दो ना दो। यदि अगर मेरे हल्के में, यहाँ का नुमाइंदा हूँ, मेरे हल्के की सरदारी ये कहेगी कि आपने इस्तीफा देना है, इस्तीफा है, निश्चिंत रहिए, आपका भाई पीछे नहीं हटेगा।